सोनभद्र को दहलाने की बड़ी नक्सली साजिश नाकाम। धमाका करने के लिए जंगल में लगाए थे 2 बम। पुलिस की टीम ने बम को किया डिफ्यूज। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। अर्थ इंडिया की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो। सोनभद्र से सटे बिहार के रोहतास जिले के डोमरखो के जंगल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 2 बमों के मिलने की सूचना मिली। सुवारी पुलिस चौकी के करीब 12 किलोमीटर दूर जंगल में सिलेंडर बम और केन बम लगाए गए थे। पुलिस की टीम ने बड़ी ही सावधानी के साथ दोनों बमों को डिफ्यूज किया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए इन बमों को लगाया था। अगर धमाका हो जाता तो बड़ा नुकसान होता। जो हमारे जनपद से जिसकी सीमा लगी हुई है और राज्य बिहार है, वहाँ के थाना चूटिया चौकी यदुनाथपुर में जो बॉम्बिंग पार्टी गई थी, जो सीआरपी और वहाँ की लोकल पुलिस की बॉम्बिंग पार्टी थी, उन्होंने एक कुलिया के नीचे एक लैंडमाइन डिस्कवर करी, जिसको उन्होंने तत्क्षण वहीं पर उसको निष्क्रिय कर दिया। इस संबंध में आज से हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। जो हमारी कॉम्बिंग पार्टियां जा रही हैं उनको भी SOPs बता दिए गए हैं कि जो मैन मेड रास्ते हैं वहां पर ना चला जाए, और इस प्रकार की जो भी पुलिया रास्ते में पड़ रही हैं, रफ्ते पड़ रहे हैं, वहां पर उतर कर भी चेकिंग की जा रही है कि कहीं हमारे यहां इस प्रकार की कोई बात हो तो हम उसको भी तुरंत ही मौके पर निष्क्रिय कर सकें। और जो अब हमारी कॉम्बिंग चल रही है, हमने उस एरिया में थाना माछी थाना कोन के आसपास के एरिया में कॉम्बिंग और सघन कर दी है, ताकि किसी प्रकार की नक्सल गतिविधि हमारे एरिया में ना होने पाए। और लोगों को, हमारे जो आरक्षी हैं, सिपाही हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि इस प्रकार अगर कोई लैंडमाइन प्राप्त होती है तो उसमें कैसे उसको पहचानना है और उसको कैसे निष्क्रिय करना है। सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में पन्नूगंज सदर प्रभारी निरीक्षक, रायपुर की CRPF टीम और PSC फोर्स मौके पर पहुंची। इस दौरान सोनभद्र अधीक्षक ने पोखरिया चौकी का निरीक्षण भी किया। नक्सलियों के अंदेशों को देख सोनभद्र पुलिस ने MP बिहार और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। अनुप श्रीवास्तव, अर्थ इंडिया न्यूज, सोनभद्र। सोनभद्र से इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अनूप श्रीवास्तव। जी बताएं पूरा मामला। जी बता दूं कि आज सोनभद्र की पुलिस ने बिहार बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्रों में जैसे कोन और माची की सीमा पर सघन चेकिंग अभियान चलाया है, और पुलिस और PSE ने CRPF के साथ पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया। कारण यह रहा कि रोहतास जिले के यदुनाथपुर थाना क्षेत्र में डूमरडीह के जंगल में कल एक लैंड माइंस पाई गई थी, जिसको वहां के सुरक्षा बल ने SP की मौजूदगी में नष्ट कर दिया। इसको देखते हुए सोनभद्र पुलिस ने भी UP के बॉर्डर पर अलर्ट घोषित किया है, जिसको लेकर के आज पूरा एक कॉम्बिंग अभियान चलाया गया। इससे अगर इस तरह कोई भी संभावना बन रही हो कि उधर के नक्सली जो कि बिहार की तरफ के हैं वो बॉर्डर पार करके सोनभद्र या यूपी की सीमा के भीतर न आ सके, SP ने बताया कि इस संबंध में CO और अन्य फोर्सेस के साथ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, किसी भी तरह के संभावित खतरे से बचा जा सके। धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए अर्थ इंडिया न्यूज़।